दोस्तों जैसे कि जानते ही होंगे कि ये जो रॉयल एनफील्ड सुपर मीटर 650 वाला जो मॉडल है ना, तो ये अभी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है इसी इंडियन मार्केट में। और इसके अलावा भी अभी के डेट में इसी रॉयल एनफील्ड सुपर मीटर 650 के बारे में बहुत सारा कुछ चीजें जो है तो वो रिवील हो चुका है। और ठीक लगभग ऐसे ही तरीके से ये जो BSA कंपनी का गोल्ड स्टार 650 वाला जो बाइक है ना, तो उसका भी जो डिटेल्स है तो वो भी रिवील हो चुका है। और अभी कहा कुछ ऐसा ही चल रहा है कि ये वाला बाइक भी बहुत ही जल्दी इसी इंडियन मार्केट में लॉन्च भी होने वाला है। तो इसी वजह से अभी इसी वीडियो के अंदर इन दोनों ही बाइक्स का ऑन पेपर कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों आज का ये वाला जो वीडियो है ना, तो इसी वीडियो के शुरुआत में हम लोग देखने वाले हैं इन दोनों ही बाइक्स का लुक्स। और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो सुपर मीटर 650 वाला जो बाइक है ना, तो इसका जो लुक है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाया गया है भाई रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से। और इसका जो लुक है ना, तो ये देखने के बाद काफी सारे लोग पहले से ही पागल हुए पड़े हैं कि कब ये बाइक लॉन्च हो जाए, कब हम लोग खरीद ले। और वैसे भी भाई पता नहीं रॉयल एनफील्ड कंपनी ऐसा क्या दे देता है अपने बाइक के अंदर कि ये जो बाइक है ना, मतलब ये हर एक बाइक ही बहुत ज्यादा मतलब एक प्रीमियम सा लगने लगता है। वैसे इसके मुकाबले अगर हम लोग बात करें BSA कंपनी के गोल्ड स्टार 650 वाले बाइक के बारे में, तो देखो भाई ये जो BSA कंपनी का गोल्ड स्टार 650 वाला बाइक है ना, तो इसका जो लुक है या फिर राइडिंग स्टाइल जो है तो वो कुछ रेट्रो स्टाइल वाला है। बाकी इसके अलावा ये वाला बाइक का जो लुक है ना, तो इसका दीवाना ऑलरेडी बहुत सारे लोग हो चुके हैं, मतलब जिस जगह पर ये बाइक लॉन्च हुआ है तो उस जगह पर और उसके ही साथ साथ और भी कई सारे जगह पर। और वैसे भी इस वाले बाइक का जो ये क्रेज है ना, तो वो भी अभी इसी इंडियन मार्केट में धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा फैल रहा है अभी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अभी। तो इसी वजह से मुझे अभी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये वाला बाइक जब इसी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा ना, तो तभी ये वाला बाइक मतलब जो सेल है इसका, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा सा ही कुछ सामने आएगा निकल के। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन दोनों ही बाइक्स के लाइट्स का सेटअप के बारे में, तो देखो भाई ये जो रॉयल एनफील्ड सुपर मीटर 650 वाला जो बाइक है ना, तो इसी बाइक का ही हेडलाइट और टेल लाइट के अंदर आपको देखने को मिलेगा LED लाइट्स, लेकिन इसी बाइक का जो टर्न इंडिकेटर्स है ना, तो वो आपको बल्ब्स के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और इसके ही जगह पर हम लोग अगर बात करें BSA गोल्ड स्टार के बारे में, तो गोल्ड स्टार 650 वाले बाइक के अंदर आपको ये जो लाइट्स का सेटअप है, तो वो लगभग सारा ही हैलोजन और बल्ब के ही अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ इन दोनों ही बाइक्स का अगर हम लोग बात करें सस्पेंशन सेटअप के बारे में, तो देखो ये जो BSA गोल्ड स्टार 650 वाला जो ये बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको देखने को मिलेगा वही कॉयल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स। लेकिन अगर इसके मुकाबले हम लोग देखें रॉयल एनफील्ड सुपर मीटर 650 की तरह, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है सामने USD फोक्स और पीछे आपको देखने को मिलेगा कॉयल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स। और इसके ही साथ साथ अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स के ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ, तो देखो भाई ये जो रॉयल एनफील्ड का जो सुपर मीटर 650 है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इसी बाइक का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक विथ डुअल चैनल ABS का भी सपोर्ट। और इसके ही साथ साथ ये जो BSA गोल्ड स्टार 650 वाला जो बाइक है ना, तो इसके भी अंदर आपको डुअल चैनल ABS का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा विद इसी बाइक का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स के व्हील्स के तरफ, तो देखो ये जो 650cc वाला जो ये मीटियर वाला बाइक है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एलॉय व्हील्स, लेकिन ये जो गोल्ड स्टार 650 जो BSA का है, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्पोक व्हील्स। और इसके ही साथ साथ अगर हम लोग बात करें इन दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में, तो देखो ये जो BSA कंपनी का जो गोल्ड स्टार 650 वाला जो बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है ये जो इंजन, तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला एक लिक्विड कूल इंजन आपको देखने को मिलेगा 650cc वाला, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 45 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है 55 Nm विद 5th स्पीड का गियर बॉक्स। और इसके अलावा असिस्टेंट सिल्वर क्लच वाला जो सपोर्ट है, तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके ही मुकाबले अगर हम लोग देखें रॉयल एनफील्ड सुपर मीटर 650 की तरफ, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक ऑयल कूल वाला इंजन, जो कि 650cc वाला और ट्विन सिलेंडर बेस्ड ये इंजन है। और ये वाला इंजन जो आपको मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके देगा, तो वो है 47 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करके देगा, तो वो है 52.3 Nm। और इसके ही साथ साथ इसी बाइक के साथ आपको देखने को मिलेगा 6 स्पीड का गियर बॉक्स। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स के अंदर दिए गए मीटर कंसोल के बारे में, तो देखो भाई बेशक से ये रॉयल एनफील्ड के ही ये रॉयल एनफील्ड सुपर मीटर 650 के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक्सेसरी के रूप में एक अलग सा मीटर कंसोल, लेकिन भाई ये बाइक के अंदर आपको डुअल मीटर कंसोल का सपोर्ट तो देखने को मिल रहा है ना, मतलब स्प्लिट वाले मीटर कंसोल का सपोर्ट तो देखने को मिल रहा है। और इनमें से ये जो एक सेमी डिजिटल वाला मीटर कंसोल है ना, तो इसके अंदर आपको टाइम, फ्यूल गेज, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ABS वगैरह जो भी है, तो ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। और इसके ही बाजू में जो एक मीटर कंसोल है पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड का कनेक्टिविटी वाला सपोर्ट, मतलब कि ब्लूटूथ नेविगेशन जो भी है, तो ये सारा कुछ। और इसके ही मुकाबले अगर हम लोग देखें BSA कंपनी के गोल्ड स्टार 650 की तरफ, तो इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक स्प्लिट वाला मीटर कंसोल,
लेकिन मैं ये जो मीटर कंसोल है ना तो ये बहुत ही ज्यादा पुराना किस्म का है, मगर फिर भी ये वाला जो मीटर कंसोल है ना तो ये एक स्प्लिट टाइप लेकिन सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है दोनों ही। और इन्हीं तो मीटर कंसोल के ही एक के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है टेकोमीटर, और इसके अलावा एक के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये स्पीडोमीटर। बाकी तो भाई इसी मीटर कंसोल के ही सेटअप के अंदर आपको देखने को मिलेगा एबीएस का लाइट से लेके ये जो इंजन मैलफंक्शन वाला जो सीन है, मतलब ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा, फीचर्स जो कि काम का है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।